जब मैंने अपने परिवार वालों को बताया कि मुझे मिस इंडिया बनना है तो एकदम सरप्राइज हो गए वो कि मैं ये कौन सा प्रोफेशन चूज करने जा रही हूँ, क्योंकि मैं जहाँ से आती हूँ वहाँ पे दो ही प्रोफेशन होता है, इधर शादी कर लो इधर कोई गवर्नमेंट जॉब में चले जाओ। तो जब मैंने अपने परिवार वालों को बोला कि मिस इंडिया करना है तो मेरी माँ ने हमेशा बोला कि औकात से बढ़कर सपने नहीं देखते, जिद थानने की कंप्लीट करके दिखाते हैं और चादर उतनी बड़ी करते हैं जितना पैर फैलाया है। नमस्ते, मेरा नाम आन्या सिंह है, मैं VLCC फेमिना मिस इंडिया 2020 रनर अप हूँ। चौदह साल की उम्र बाजार में बर्तन धोना वो एक्चुअली मेरे लिए प्राउड मोमेंट था, क्योंकि मैं उस उम्र में अपने पैरों पे खड़ी हो गई, क्योंकि उस उम्र में लड़कियां अपने स्कूल जाती थी, नए नए गार्डन्स में जाती थी, फ्रेंड्स बनाती थी, बट मैंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत पहले ही जान ली कि मेरा कर्तव्य क्या है अपने परिवार वालों को लेके और मेरी तरफ लेके। किसी ने मुझे मजबूर नहीं किया, सिचुएशन ऐसी थी कि मुझे जॉब करनी पड़ी, तो मैं हमेशा से थैंक यू बोलती हूँ गॉड को, क्योंकि उन्होंने जो मुझे दरवाजे खोले मेरे लिए, शायद से उसी वजह से मैंने इतना तकलीफ झेला अपनी लाइफ में। मेरे लिए मेरी पढ़ाई मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी रही है हमेशा से। मुझे हमेशा भरोसा रहा है कि अगर आप पढ़ोगे तभी आपके अंदर वो पावर और कॉन्फिडेंस आएगा। सो यस, आई वॉन्टेड टू कम्प्लीट माई एजुकेशन, सो आई ट्राइड माई बेस्ट, आई डिड अ जॉब एंड इधर उधर जॉब करके मैंने पैसे कलेक्ट करके अपना एजुकेशन कम्प्लीट किया। मैं और मेरे पापा के बीच में टच होता था, तो आधा पैसा मैं आधा पैसा मेरे पिताजी देते थे, इससे मेरी पढ़ाई की फीस मैं कम्प्लीटली भर देती थी। सपने तो अलग होते हैं, तो मैंने मेरा पैशन भी साथ में फॉलो किया। तो लोग कहते हैं दो नाव में नहीं सवार होना चाहिए, लेकिन मैंने दो नाव में सवार होके नैया पार लगा दी। साल का सपना नहीं रहा है, ये 20 साल का सपना रहा है। मॉडलिंग कर रही महिलाएं चाहे कोई भी प्रोफेशन में, लोग तो कहेंगे और कुछ ना कुछ कहते ही रहते हैं, लोगों का काम है कहना। और जो आत्मविश्वास डगमगाने की बात है, ऐसा कभी नहीं हुआ मुझे, क्योंकि ये सपने मेरे थे तो चूज भी मैंने किया था और भरोसा भी मुझे खुद पे था कि मैं जो भी चूज करूंगी आगे जैसे भी जाऊंगी हमेशा सही करूंगी, और अगर गलत भी होगा तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मैं ही लूंगी। हमेशा समझा के रखा खुद को कि फील होगा, कहीं लो फील होगा, कहीं नेगेटिव फील होगा, लेकिन हमेशा से खुद को ऊपर उठाना और पॉजिटिव फील करना, ये हमेशा मेरे दिमाग में और दिल में रहता है। तो आई ऑलवेज पुश माई सेल्फ एंड आई ऑलवेज मोटिवेट माई सेल्फ टुवर्ड्स माई पैशन। मुझे लगता है कि यू शुड बी मास्टर ऑफ योर ओन डेस्टिनी, चाहे कुछ भी हो जाए आप अपनी किस्मत खुद ही बदल सकते हैं। अगर आप खुद पर भरोसा करेंगे तो दुनिया आप पे भरोसा करेगी। आज भी है और पहले भी था, फर्क इतना है कि आज सर पे एक क्राउन और रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मान्या तब भी ग्राउंडेड ही रहती थी और आज भी ग्राउंडेड रहेंगी, और हमेशा से मैंने कहा है कि ये ग्राउंड सिर्फ मेरे लिए नहीं है, ये आगे आने वाली एक नई पीढ़ी और हर एक औरत के लिए है, कि वो अपने सपनों को छुए और कहे कि अगर मान्या कर सकती है तो मैं भी कर सकती हूँ। तो सामान्य आज भी बस थोड़ा सा चेंजेस है।